आज हम सीखेंगे कि फ़ोन में सभी ऐपों का नोटिफिकेशन कैसे बंद करें, और नोटिफिकेशन आने से बार बार परेशान हो चुके हैं तो ऐसे क्या आप नोटिफिकेशन सब बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन का। तो सबसे पहले आज हम ट्राई करते हैं, जैसे कि मैं WhatsApp बिजनेस पे आया और मैंने खुद के WhatsApp के पर्सनल अकाउंट पे मैसेज किया हाय। जैसे ही मैंने हाय मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया, वैसे ही ऊपर नोटिफिकेशन आ गया। ऐसे ही एक और टाइप करके भेजता हूँ, ऐसे बार बार नोटिफिकेशन आके परेशान हो चुके हैं। व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम किसी पे भी, तो आप कैसे बंद कर सकते हैं? तो सबसे पहले उस ऐप पे थोड़ी देर आप क्लिक करें। जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे थोड़ी देर क्लिक करता हूँ तो आता है, तो जैसे नीचे लिखा ऐप इंफॉर्मेशन पे मैं जाता हूँ। जैसे ही मैं ऐप इंफॉर्मेशन पे आता हूँ तो फिर जैसे ही आप ऐप इंफॉर्मेशन पे आते हैं तो आप नीचे ढूंढिए नोटिफिकेशन कहाँ लिखा है। जहाँ नोटिफिकेशन लिखा है उसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं तो देखिए सब लिख के आ रहा है, ऑल वाइब्रेट, अलाउ यूजिंग लाइट, LED लाइट, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। आप एक एक करके भी बंद कर सकते हैं। और ऊपर लिखा है शो नोटिफिकेशन, तो आप इस पे ऑफ कर देते हैं तो सब भी आपका नोटिफिकेशन ऑफ हो जाता है, फिर नोटिफिकेशन आना बंद हो जाता है उस ऐप का। उस ऐप का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है जब तक कि उस ऐप को आप ना खोल के देखें। तो फिर मैंने बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट पे मैसेज किया है, तो देखिए अब ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो मतलब इस नोटिफिकेशन से मुझे झंझट से दूर छुटकारा मिल गया कि उस ऐप, जब तक मैं उस ऐप को पर्सनली ना खोलूँ उस पर कोई मैसेज नहीं शो करेगा। देखिए जैसे मैंने शो किया तो देखिए हाय का मैसेज आया हुआ है। तो जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम बंद कर सकते हैं एक एक ऐप का, तो आपको वार्निंग्स नहीं मिलेंगी जो एग्ज़ाम के अंदर वार्निंग आती है। फिर आप इसी तरह ऐप इंफॉर्मेशन पे जाके आप फिर से नोटिफिकेशन पे जाके उसको ऑन कर सकते हैं, तो सारे नोटिफिकेशन आने लगेंगे जैसे पहले आते थे। तो ऐसे करके आप नोटिफिकेशन एक एक ऐप का बंद कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, अब सब नोटिफिकेशन आएंगे उस ऐप पे। तो जैसे फिर मैं बिजनेस अकाउंट पे गया और मैसेज किया, जैसे कि मैंने किया फिर से हाय का, और जैसे ही मैंने हाय का मैसेज सेंड किया तुरंत ऊपर नोटिफिकेशन बंद के आ जाएगा। तो आप इस तरह किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब जाके मैं इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऐसे बंद कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इंस्टाग्राम का बंद करता हूँ या चाहे किसी भी ऐप का, तो वहाँ से नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई भी नोटिफिकेशन शो ऑफ नहीं होता है चाहे जो ऐप हो। अब जाके वहाँ से नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉलिंग का भी नोटिफिकेशन, किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, फेसबुक हो चाहे जो हो, और फिर वहीं पे जाके आप ऑन कर सकते हैं। और एक लास्ट फीचर आता है DND मोड का। जैसे आप DND मोड लगा देते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ज़्यादा बार नोटिफिकेशन भेजता है या कॉल करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है। तो एक बार DND मोड लगा के भी देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। कि जैसे मैंने DND मोड ऊपर ही होता है, या आप सेटिंग में जाके DND मोड को ढूंढ के सर्च करके आप DND मोड लगा सकते हैं। इससे होता है कि नोटिफिकेशन आना सब बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन जो मैंने ऐप वाला बताया, ऐप पर थोड़ी देर क्लिक करके उस पर जाके अगर आप नोटिफिकेशन ऑल वाला ऑफ कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। देखिए मैंने DND मोड लगा के दो मैसेज किया तो एक मैसेज आ गया। तो इसमें थोड़े बहुत मैसेज बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई मैसेज आ जाता है और आप DND मोड ऑफ कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।